फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि वेट और अवेट में क्या फर्क है, यानी कैसे जाने कि कब हमें वर्ड वेट का यूज करना है और कब हमें वर्ड अवेट का यूज करना है, जबकि दोनों की मीनिंग सिमिलर होती है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, वेट और अवेट दोनों मीन्स इंतजार करना होती है, बट इन दोनों में थोड़ा फर्क है। आइए जानें वो क्या फर्क है। द वर्ब अवेट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। वर्ब अवेट के साथ एक ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, यानी वर्ड अवेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है। बिना ऑब्जेक्ट का आप उसे नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल, आई एम अवेटिंग योर आंसर। तो फ्रेंड्स, आपने यहां देखा कि वर्ड अवेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आया और वो ऑब्जेक्ट था योर आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात क्लियर हुआ कि वर्ड अवेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आना लाजमी है। बिना ऑब्जेक्ट का आप अवेट का यूज नहीं कर सकते। अगर हम बात वेट की करें, द वर्ब वेट नॉर्मली डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। वर्ड वेट के साथ नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट नहीं आती, यानी मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट आती ही नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ नॉर्मली वेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आती। एग्जाम्पल, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम वेटिंग फॉर यू। यानी फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा। हम वर्ड वेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज तब करते हैं जब वर्ब वेट का यूज एक फेजल वर्ब की तरह हो, और जब वर्ड वेट के बाद फॉर आती है तो वो फेजल वर्ब होती है। तो वर्ब वेट के साथ ऑब्जेक्ट आती भी है नहीं भी, यानी नॉर्मली हम वर्ड वेट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन कई बार हम वर्ड वेट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा डिफरेंस जाने। फ्रेंड्स, वर्ड अवेट के बाद कभी भी कोई एक प्रीपोजिशन नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अवेटिंग के बाद मैंने यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन जैसे इन, आफ्टर, फॉर, बिफोर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बट अगर हम बात वेट की करें, तो वेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो आपको प्रीपोजिशन फॉर लिखना ही होगा, यानी वेट के बाद एक प्रीपोजिशन का आना लाजमी है, बट अवेट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए। अगर आप अवेट के बाद कोई प्रीपोजिशन दें या अगर आप वेट के बाद कोई प्रीपोजिशन ना दें तो ऐसा करना गलत होगा। आइए फ्रेंड्स, अब तीसरी बात जानें। फ्रेंड्स, वर्ब अवेट के बाद हम ऐसा ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट नाउन हो, यानी एक ऐसा नाउन जिसे हम देख ना सकें या जिसे हम छू ना सकें बट जिसे हम महसूस कर सकें, यानी एक ऑब्जेक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, वर्ड अवेट के बाद नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट नाउन आती है, वो नाउन जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, बट महसूस किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अभी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।